हाय व्यूअर्स, मैं फहीम मुत्तू अर्थ प्रकाश की स्पेशल रिपोर्ट के साथ आज हम फिर से एक बार आपको कश्मीर की वादियों का रुख कराने वाले हैं, जहां डल झील के किनारे जबरवन पार्क में कश्मीरी नवरे महोत्सव के दौरान पारंपरिक पोशाक पहन के कश्मीरी पंडित महिलाओं ने 32 साल बाद नवरे यानी नए साल का जश्न बड़े जोरों शोर से मनाया। प्लीज वेलकम वमेर ग्रुप। नमस्कार, मेरा नाम हिमाग्नी मोजा है। ये जो इवेंट है ये हमने इसलिए रखा है ताकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जो बिल्कुल कुछ जानती नहीं है इस बारे में कि कश्मीरी पंडित क्या हैं, उनका कल्चर क्या है, कैसे वो कैसे रहते थे, वो सब ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सके, जान सके हमारा कल्चर। और ये जो नवरे जो हमने ये जो नवरे मिलन है ये हमने इसीलिए रखा है कि सब कुछ मतलब हर कोई हर खुशी में हर चीज़ देखे समझे कि क्या है ये चीज़ जो कश्मीरी पंडितों के साथ मतलब कल्चर जो इनका है वो क्या है। जब मैं आई थी तब मैं 12th में थी, मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम भी बहुत अच्छा माहौल था, घूमते थे फिरते थे, अभी भी वैसा ही सेम मुझे लगा, कुछ डिफरेंस मुझे लगी नहीं। बुजुर्गों से तो बहुत कुछ सुना था कि वहाँ की वादियों के बारे में, वहाँ क्या जो जन्नत है, जो कश्मीर को जन्नत बोलते हैं, कैसे हम रहते थे आपस में, कैसे मिलनसार नेचर था हमारा, एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, वो सब सुना। मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि आज का जो इवेंट है ये 32 साल बाद ऐसा इनिशिएटिव उम्मीद की तरफ से हुआ है, जिसमें हम लोग हमारे ट्रेडिशन को याद दर्शाते हैं कि कैसे हम लोग ये कर रहे हैं। इस इवेंट में सबसे बड़ी बात है कि यूथ कनेक्ट हो रहा है, जो अभी देख सकते हैं बच्चे पेंटिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साथ साथ में हमारे ट्रेडिशन जो है एग्जिबिशन है वो सब चीज़ें यहाँ दर्शा रहे हैं। और एक पॉजिटिव मैसेज आएगा जिससे हम लोग इस इवेंट को सक्सेसफुल मानेंगे जब एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो जाएगा यहाँ पे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।